लोकसभा चुनावों में बीजेपी 25 में से 11 सीटें हार गई थी। इस हार की बड़ी वजह कई बूथों पर पार्टी के कमजोर परफॉर्मेंस को भी माना जाता है। कई बूथों पर बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिला। इससे सबक लेते हुए अब पार्टी बूथ को मजबूत करने का काम शुरू कर रही है। इसके पहले चरण में हर बूथ पर पार्टी से नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 52,000 बूथ हैं। इसके लिए पार्टी सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसमें 1 करोड़ नए सदस्य बनाए जाएंगे। अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करेंगे और सदस्य बनाएंगे। कार्यकर्ताओं के लिहाज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के लिए लोकसभा के ये आंकड़े आंखें खोलने वाले थे। लोकसभा चुनावों में राजस्थान की 25 में से 4 सीटों के 31 बूथ पर बीजेपी को 0 वोट मिले थे। यानी इन बूथों पर बीजेपी के बूथ अध्यक्षों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी अपनी पार्टी को वोट नहीं दिया। प्रदेश के करीब 52,000 पोलिंग बूथ के आंकड़े खंगालने के बाद ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था। ये बूथ सीकर, झुंझुनू, जयपुर शहर और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के हैं। जयपुर शहर को छोड़ दें तो बाकी 3 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब पार्टी नए सिरे से सदस्यों को पार्टी के साथ जोड़कर बूथ को मजबूत करने का काम करेगी।